दोस्तों गल करांगे कैनेडा स्टडी वीजे दी। हमेशा कोशिश रहिंदी है भी जदों कोई ना कोई इदां दी एप्लीकेशन असी वीजा प्राप्त करदे हां जिहड़ा एप्लीकेशन काफ़ी मुश्किल होवे जां काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड एप्लीकेशन होवे तां उसदी डिटेल असी तुहाडे तक लै के आईए तां जो उसदी इनफॉर्मेशन असी तुहानूं देईए। कई बार इम्पॉसिबल काम भी जिहड़े उह पॉसिबल हो जांदे आ। सो अज इदां दी इक एप्लीकेशन की गल करांगे। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, नाल नाल साडे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। साडा यूट्यूब चैनल ते हमेशा कोशिश रहिंदी है भी एक करैक्ट अपडेटेड इनफॉर्मेशन तुहाडे तक लैके आईए। सो उसे कोशिश दे तहत असी वीडियोज़ बनाउणी है। अगर साडी किसी वीडियो नाल तुहाडी हैल्प हुई है तां प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करो तां जो इदां दी इनफॉर्मेशन वध तों वध लोगों को पहुंच सके, उसका बेनिफिट उन्होंने हो सके। सो अज की वीडियो के गल करांगे स्टूडेंट गुरनूर सिंह की। स्टूडेंट गुरनूर सिंह जो कि भंगचिड़ी श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले हैं। इस स्टूडेंट की एप्लीकेशन कॉम्प्लीकेटड क्यों आ? स्टूडेंट की 10th से 12th के 6 साल का गैप है, उसके बावजूद इसनों कैनेडा का स्टडी वीजा मिलिया ते अपना कैनेडा का सुपना पूरा करन या कैनेडा स्टडी का सुपना पूरा करन बच्चा कैनेडा ट्रैवल कर रहा है। उसकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो तुसी देख सकते हो। सो स्टूडेंट की अगर आप गल करिए, इन्होंने +2 मेडिकल 2022 दे विच कीती है। सो अगर 12th 2022 दे विच कीती है तो इसका मतलब 10th 2020 दे विच होनी चाहिए है। बट स्टूडेंट की जिहड़ी 10th है वह 2016 दे विच हुई है। उस तो बाद स्टूडेंट 6 ईच ओवरऑल 6 बैंड लैंदा ते फर्दर कैनेडा स्टडी वीजा लई जाना चाहुंदा क्योंकि स्टूडेंट दी 12th मेडिकल स्ट्रीम है, रीसेंट पास आउट है, बच्चा अंटारियो प्रोविंस दे विच जाना चाहुंदा। तां असीं इहनां नूं शेरिडन कॉलेज दे विच सोशल सर्विस वर्कर दा जिहड़ा डिप्लोमा लैके दित्ता जो कितने ना कितने रिलेट करदा मेडिकल दी फील्ड दे नाल। उस तो बाद 10 दसंबर नूं इहनां दी एप्लीकेशन अप्लाई कीती जिस दी बदौलत 8 जनवरी नूं इहनां नूं कैनेडा दा स्टडी वीजा आउंदा। हुण गैप बहुत सी क्योंकि कितने ना कितने कैनेडा स्टडी वीजा दे विच जिहड़ा गैप दा बहुत वड्डा रोल रहिंदा। अगर कोई 10th ऑनवर्ड तुहाडी एजुकेशन देखी जाती है, अगर तुहाडी एजुकेशन दे विच गैप हुंदा तां उसकी एक्सप्लेनेशन वीजा ऑफिसर मंनदा। तो बहुत सारे लोग जिहड़े अपने देखे गए हैं जां बहुत सारे कंसल्टेंट देखे गए हैं जदों इदां दा कोई गैप हुंदा तां स्टूडेंट नूं गाइड करदे आ तुसीं फेक डिप्लोमा बनाओ, फेक डिग्री बनाओ, जो कि सरासर गलत है। इदां दी एडवाइस तों स्टूडेंट नूं जां इदां दे कंसल्टेंट तों स्टूडेंट नूं जरूर बचना चाहीदा। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁਰਨੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਜੈਨੂਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 12th ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ SOP। ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ SOP ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਾਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਨਹੀਂ। ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ SOP 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਾਣੀ ਆਇਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੇ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਸ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ SOP, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ SOP ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ SOP ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ 9-10 ਪੇਜ ਦੀ SOP ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ SOP 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ 1 ਪੇਜ ਦੀ SOP ਲਿਖੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੈਨੂਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਟੈਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰਾ
चैक किया केस जेनुअन आ बच्चे की प्रॉब्लम जेनुअन सी सो एंड सो डॉक्यूमेंट असी नाल अटैच की एक स्ट्रोंग प्रेजेंटेशन दी उसकी बदौलत बच्चे अज कैनेडा का स्टडी वीजा मिले जो कि आप देख सकते हैं भी टोटल 28 दिनों के इन्हों कैनेडा का स्टडी वीजा मिले। सो थोड़ी भी अगर इदा की एप्लीकेशन है तो कदे भी फेक डॉक्यूमेंट वाल ना जाओ फेक डिप्लोमा डिग्री वाल ना जाओ क्योंकि फेक एजुकेशन कदे भी थानू कैनेडा स्टेबल नहीं कर सकती। सो जेनुअन क्योंकि मैं हमेशा कहना एप्लीकेशन चैक करने वाले वीजा ऑफिसर भी एक इंसान ने तुसीं तुहाडी जेनुअन प्रॉब्लम उन्होंने एक्सप्लेन करो तो चंगे तरीके एक्सप्लेन करो भी तुहाडी सिचुएशन समझ सकन करोगे तो डेफिनेटली तुहानू वीजा मिलेगा ही मिलेगा।